देर इज़ एनदर टूल अवेलेबल विच इज़ कॉल्ड टाइम फंक्शन मैपिंग और प्रोसेस मैपिंग ये फ्लो चार्ट मॉडिफाई किया हुआ है इसके अंदर टाइम को एड किया हुआ है ऑन हॉरिजोंटल एक्सेस कि जो फ्लो है वो टाइम के हिसाब से किस तरह फ्लो हो रहा है फॉर एक्ज़ाम्पल और ये आमतौर पर हम यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस कि जिसमें इस इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कौन सी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करें तो इसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अगर हम देखें तो वी हैव दिस इज बेसिकली वर्टिकल एक्सेस के ऊपर देर डिफरेंट कस्टमर है सेल्स है प्रोडक्शन कंट्रोल है प्लांट ए वेयर हाउस प्लांट बी ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन एंड ये हमारे फ्लो डायग्राम है जो कि हम येलो कलर के अंदर हम शो कर रहे हैं तो कस्टमर की तरफ से ऑर्डर प्रोडक्ट का ऑर्डर आया प्रोसेस किया सेल्स ने ऑर्डर जैसे पिछली बार था कि कस्टमर आया कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने किया एंड देन प्रोडक्शन कंट्रोल के पास वेट में चला गया वेट से ये प्रिंट के अंदर गया प्लांट ए में प्रिंट से ये फिर वेट वर्क इन प्रोसेस के तौर पर वेट में चला गया उधर से इट वाज मूव ट्रांसपोर्ट के जरिए इट वेंट टू वेयर हाउस वहाँ स्टोर किया वेयर हाउस से ये एक्सट्रूड के अंदर गया प्लांट बी में एंड देन अगेन स्टोर किया और इसको मूव कर कर रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास चला गया कि प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया नाउ बेसिकली दिस ऑल फ्रॉम ऑर्डर प्रोडक्ट ऑर्डर टू प्रोडक्ट रिसीव इट टुक 52 डेज अब इसके अंदर अगर हम देखें तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी ये बगैर एक, एक वेस्टफुल एक्टिविटी हैं जो कि वैल्यू एड नहीं कर रही और ज़्यादातर वेट वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम स्टोर कर रहे होते हैं वो आमतौर पर आ, ये वो होती हैं बेसिकली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती हैं तो इसको अगर हम फिर से इसको करें तो इसके अंदर हमने उसके मुकाबले में जो ये लेट्स गो बैक एंड सी इसके अंदर जो ये प्रोडक्शन कंट्रोल और इस किस्म की चीज़ें उनको हमने एलिमिनेट किया और ये इसके अंदर कस्टमर सेल्स प्रोडक्शन प्लांट वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन तो इसके अंदर हमने प्लांट ए प्लांट बी ये सारा कुछ एलिमिनेट किया क्योंकि वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ए की जगह ये परफॉर्म हो सकता है तो हमने ऑर्डर प्रोडक्ट फिर प्रोसेस ये बिल्कुल वही है प्रोडक्शन कंट्रोल में आकर वो उसने वेट किया एंड देन प्लांट के अंदर प्रिंट किया उसके बाद ही उधर एक्सक्रूड किया उधर हमने पहले जो हमने देखा था उसके अंदर प्लांट ए में प्रिंट कर रहे थे फिर वेट करते थे फिर प्लान बी के अंदर एक्सट्रूड करते थे फिर वेट करते थे फिर हम ट्रांसपोर्ट इधर हमने उसको कंबाइन कर दिया एक ही प्लांट में प्रिंट एंड एक्सट्रूड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर वेट ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा फिर हमने जो एक्सट्रूड करने के बाद वेट किया और वेट से फिर मूव करके हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया अब कितना हुआ सिक्स डेज के अंदर ये सारा काम कंप्लीट कर दिया है। जो प्रिंट और एक्सट्रूड के दरमियान वेट एंड मूव का टाइम था वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया हमने तो उसकी वजह से अब टाइम बहुत शॉर्ट हो गया सो टाइम फंक्शन मैपिंग हम यूज़ करते हैं कि इसके अंदर हम इसको एलिमिनेट करते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को अगर हम एलिमिनेट कर दें या कम से कम कर दें तो उससे हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाती है